हेलो दोस्तों, आज ये जस्ट ऑटो में हमारा वायरिंग का बैच चल रहा है जो उसको 20 दिन ख़त्म हो गए। तो वाकई में इन लोगों को कितना 20 दिन के अंदर दिमाग के अंदर बैठा है वो मुझे पता चल जाएगा। क्या कर रहे हो? स्कैनिंग चला रहे हैं। स्कैनर चला रहे हैं। कितना दिन आपका ख़त्म हो गया? 20 दिन ख़त्म हो गए। 21वां दिन चल रहा है। तो कैसा लगा अब 21वें दिन में, मतलब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, वो तो बात सही है, लेकिन कहाँ तक कुछ लेवल बता सकते हो, यहाँ तक हम सीखे सर? सपोज मान लो मैं आपको एक सवाल करूं कि कोई सेंसर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप पता लगा लोगे? हाँ सर, लगा। वोल्टेज चेक करेंगे, वायर देखेंगे, ट्रेस करेंगे, कहीं से कटवट तो नहीं। स्कैनर में आप कैसे पता लगाओगे वायरिंग? सबसे पहले तो सर स्कैनर लगाएंगे। हाँ राइट, जो भी फॉल्ट होगा इसके, जो भी सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट होगा उसमें देखेंगे, फिर उसमें कपलर निकाल के वोल्टेज चेक करेंगे, उसका वायर चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करते पता चल जाएगा हाँ भाई वोल्टेज आ रहा है, मतलब वो सही है। कौन सी तार में कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो कैसे आप पता लगाओगे? वो मुझे नहीं, उसमें कितनी तार आती है सेंसर के अंदर? दो तार आती है, तीन तार आती है। तो सपोज मान लो कि तीन तार वाला सेंसर है तो आप कैसे पता लगाओगे इसका? मैं पूछूं कि रेल प्रेशर सेंसर है इनका, बराबर? तो रेल प्रेशर सेंसर को आपको वायरिंग चेक करना है, या तो एरर कोड दे रहा है आपका, समझ लो मान लो स्कैनर, तो आप उसको कैसे चेक करोगे कि भाई रेल प्रेशर का वायरिंग सही है या सेंसर खराब है? वो कैसे डिसीजन लोगे आप? आप ले पाओगे डिसीजन पहले मुझे वो बताओ, अगर नहीं ले पाओगे कोई बात नहीं, आप मना कर दो, ले पाएंगे। तो कैसे लेंगे वो मुझे बताइए, सेंसर खराब है, वायरिंग खराब है, कैसे डिसीजन लेंगे आप, या ईसीएम खराब है? पहले कपलर निकाल के, मल्टीमीटर से चेक करेंगे, वोल्टेज आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है, सिग्नल, बराबर, तीनों आ रहा है। हाँ, तो एक वायर में, आपका कहने का मतलब ये है कि तीन में से एक वायर में ग्राउंड आएगा, तो ग्राउंड आएगा तो आप कंफर्म कैसे करोगे इसमें ग्राउंड आ रहा है वो मुझे बताइए। कंटिन्यूटी पे रखेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रखोगे, फिर एक तार मल्टीमीटर की नेगेटिव पे रखोगे यहाँ पे टर्मिनल पे, और दूसरी तार आपको सॉकेट में लगाओगे। कंटिन्यूटी आ रहा है वो आपका हो गया नेगेटिव, वो नेगेटिव ओके है, ठीक है, नेगेटिव समझ गया। फिर वो दो तार और बचते हो, वो कैसे? उसमें भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, वो तो कहीं शॉर्ट नहीं है, बॉडी ग्राउंड, मतलब बॉडी ग्राउंड के साथ, बहुत अच्छा। हाँ, तो उसका बॉडी ग्राउंड के साथ आप चेक करके वो भी पता लगोगे वो तार दूसरे तार के साथ शॉर्ट है कि नहीं है वो। फिर समझ मान लो कि वो तो दोनों तार शॉर्ट नहीं है, फिर आगे का कोई प्रोसेस है कि वायरिंग चेक हो गया आपका? वोल्टेज चेक करना, वोल्टेज चेक करना, वोल्टेज पे रखकर वोल्टेज चेक करना। हाँ, मल्टीमीटर को वोल्टेज पर रखोगे और दोनों तार में वोल्टेज चेक करोगे, तो कितनी कितनी वोल्टेज आनी चाहिए? 5 रेफरेंस में, 5 आ सकती, 12 आ सकती, और सिग्नल में 5 जाएगा और ग्राउंड 12 आएगा। ठीक है, ग्राउंड तो 12 आ गया, ग्राउंड तो ग्राउंड है, ग्राउंड में कोई वोल्टेज नहीं होती है, तो ग्राउंड तो कॉमन है, तो वो हर जगह पे सेम है, आपने सही आंसर दिया। लेकिन एक रेफरेंस वोल्टेज वो 5 वोल्ट आएगी, और सिग्नल की वायर में कितनी वोल्टेज आनी चाहिए? वो वोल्टेज के आसपास ही आनी चाहिए, वोल्टेज जितना हो उससे थोड़ी कम आनी चाहिए, मतलब 5 वोल्ट रेफरेंस का है तो 4.9 ठीक है। अगर एक वायर में 4.9 वोल्ट आ रही है, एक वायर में 5 वोल्ट आ रही है, एक वायर में ग्राउंड आ रही है, तो आपका सेंसर वायरिंग ओके है, वायरिंग ओके है, तो प्रॉब्लम किस में रहेगा फिर? सेंसर में। चलो बहुत अच्छा, और स्कैनिंग अब कहाँ तक कर लेते हो? सपोज मान लो कि मुझे रेडिएटर फैन ऑन करना है तो कर लोगे आप स्कैनर में से? ठीक है, मुझे करके दिखाइए। तो सबसे पहले एक्चुएटर टेस्ट में जाएंगे। हाँ, कूलिंग फैन में जाएंगे। राइट, कूलिंग फैन 1 नहीं चला। हाँ चला सर, चला। हाँ ऑन हो गया, आवाज भी आ रहा है, बंद कर। सपोज मान लो कि आपको मैं बोलूँ कि भाई आपको ABS ब्लीडिंग करवाना है तो आप कर लोगे? ABS ब्लीडिंग होता है ना? हाँ होता है, कर लोगे ना आप? हाँ अभी करा रहा है। चलिए अभी दूसरी टीम के पास जाते हैं, ये टीम ने तो वाकई में सब आंसर मेरे को सही मिला। ठीक है, हम अभी दूसरे बेस के पास चलते हैं और उसको थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं कि हेलो दोस्तों, आप क्या कर रहे हो? स्कैनर चला रहे हैं। तो मतलब आपका कितना दिन हो गया? 21 दिन 20 दिन ख़त्म हो गया, 21वें दिन में अभी चल रहा है। तो 21 दिन तक आप कहाँ कहाँ क्या क्या सीखे? ऑलमोस्ट वायरिंग कंप्लीट हो गया है, स्कैनर चला रहा है।
तो स्कैनर से क्या वायरिंग चेक हो सकता है? मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर, हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है। तो कौन से मॉडल में चेक हो पाएगा सर? एक्चुएटर सेंसर वगैरह हम से पता लगा सकते। एक्चुएटर सेंसर का पता लगा सकते हो। सपोज मान लो कि मुझे हेडलाइट चेक करना है तो क्या इसका पोलो का मुझे इंडिकेटर लाइट करके दिखा सकते हो स्कैनर से? स्कैनर से, चाबी से और स्विच से नहीं? स्कैनर से चला ले। तो मुझे चालू करके दिखाइए इंडिकेटर। लैंप नहीं, नहीं लेफ्ट साइड का इंडिकेटर मैंने आपको टारगेट दिया है। एक्टिव टेस्ट में जाने के बाद हम सेलेक्टिव एक्टिव टेस्ट में गए। इसमें जाने के बाद सर हमने अपना जो हमें इंडिकेटर लैंप ऑन करना, लेफ्ट टर्न सिग्नल। ठीक है सर, स्टार्ट करो। वाह, जल गया, बहुत अच्छे। तो मतलब आप स्कैनर से वायरिंग भी चेक कर सकते हो, जैसे कि टेल लाइट चेक करना है, ब्रेक लाइट चेक करना है, वाइपर चेक करना है। तो एक दूसरा पर्सन मुझे कोई वाइपर चला के दिखा सकता है? हाँ दिखाइए। एक्टिव टेस्ट में जाना है, फास्ट चलाना है, स्लो। देखिए ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन करने लग गया। आज हमारा मेरा क्वेश्चन पर मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं सर आपको फास्ट स्पीड वन पे चला। आप एक काम कीजिए, मुझे दोनों स्पीड दिखा दीजिए। ये पास वाला, हाँ ओके, फास्ट को बंद कर दीजिए और स्लो चला के दिखाइए। ये स्लो वाला, ठीक है, बहुत अच्छे। तो मतलब स्कैनर से भी हम लोग प्रीमियम क्लास में वायरिंग चेक कर सकते हैं। फिर पावर विंडो डाउन अप डाउन करना है, सेंटर लॉक करना है, वो सारी चीज़ कर सकते हो आप आराम से। और अगर वायरिंग चेकिंग करना है आपको, ट्रैकिंग करना है, तो आप कैसे करोगे? ट्रैकिंग करने का तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है? अगर सपोज मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि हॉर्न का मुझे ट्रैकिंग करना है वायर, तो कैसे करोगे अगर शॉर्ट तरीका? सर हम सबसे पहले इसकी रिले निकाल करके हाँ करेंगे, 30 और 87 को मिला करके। राइट, सर अगर वो माइसन चल जाती है कर सकते हैं सर। ओके, चल जाती है तो हमारे रिले में प्रॉब्लम। बराबर, राइट। उसका अब वक्त कितना लोगे? 2 मिनट 3 मिनट में वायरिंग आप चेक कर लोगे हॉर्न का? चलो बहुत अच्छा, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए आपका काम। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने ये दोनों स्टूडेंट को, दोनों दो बैच है तो दोनों बैच को मैंने सवाल किए और आंसर मुझे बहुत अच्छा मिला, क्योंकि मैं सवाल घुमा घुमा के कर रहे थे फिर भी वो लोग मुझे बहुत अच्छे से आंसर दिया। अगर आप भी इस तरह वायरिंग के कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो आप ये नीचे गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि 1 महीने के अंदर आप वायरिंग के एक्सपर्ट हो जाओगे। मतलब मिनिमम समय में आप मैक्सिमम डायग्नोसिस कर लोगे वायरिंग का, क्योंकि आज ये स्टूडेंट अगर 20 दिन के अंदर सपोज मान लो सर स्कैनर से मुझे सारी चीज ऑन करके दिखा सकते हैं और फॉल्ट तक पहुंच जाते हैं, और कोई भी सर्किट चेक करने के लिए वो बोलते हैं कि भाई हम लोग 2 मिनट में हॉर्न का सर्किट पूरा चेक कर लेंगे, तो सर इससे बेहतरीन क्या चाहिए? देखिए अभी इनका चल ही रहा है, कोई ABS पंप एक्टिवेशन कर रहा है, कोई फैन कर रहा है, तो वैसा अपडेट होने के लिए आप जस्ट ऑटो को ज्वाइन कीजिए।